सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वीडियो। आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। बस आज हम जाने वाले हैं अपनी एक सुपर बाइक की डिलीवरी लेने। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, सुपर बाइक की डिलीवरी लेने। फिलहाल गाइस यहाँ पर हमें मुरादाबाद रामपुर हाईवे टोल प्लाजा पर कुछ काम था, हम लोग गए यहाँ पर, तो हम रुक गए थे, मैं और मेरे दोस्त मेरे साथ में। फिलहाल गाइस यहाँ पर हमें बाइक खड़ी हुई यामाहा MT-15। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो आप लोग जानते हो कि हम कौन सी बाइक के ओनर हैं, कौन सी बाइक हम चलाते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पर हम लोग अपना हेलमेट और माउंट लेकर रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं मुरादाबाद के लिए। बिकॉज मुरादाबाद हमारे शहर से अप्रॉक्स 28-30 किलोमीटर दूर है, तो बाइक को हमने रेडी कर लिया, बाइक को ऑन कर लिया और यहाँ पर गाइस हम लोग निकल चुके हैं रास्ते के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक्स कि आप लोगों ने इस लायक समझा और मुझे इतना प्यार दिया और आज मैं अपना एक दूसरा सपना पूरा करने जा रहा हूँ। हालांकि यामाहा MT-15 भी काफ़ी लोगों का सपना है जो हमारे पास पहले से है, और जो मैं दूसरी बाइक लेने जा रहा हूँ वो भी आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा लड़कों का सपना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास भी इसमें की बाइक्स होंगी या मैं भी एक राइडर होऊंगा या फिर मैं भी कोई व्लॉग बनाऊंगा, बट हाँ हल्के हल्के हर चीज़ समझ में आने लगती है। और हल्के हल्के आप लोग स्टार्ट करते हो, जीरो से मैंने भी स्टार्ट किया था, आज मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, तो वो 20K 25 बदलेंगे 50 में और ज़्यादा चेंजेस उसमें आते रहेंगे। प्लस मैं मुरादाबाद सिटी में आ चुका हूँ, आप लोग अगर मुरादाबाद से बिलोंग करते होगे तो आप लोग इस एरिया को देख के समझ गए होगे, क्योंकि ट्रैफिक इतना है यहाँ पर और मुरादाबाद सिटी में बेइंतहा ट्रैफिक है और ट्रैफिक के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। फिलहाल गाइस हम लोग पहुँचने वाले शोरूम पर, तो मैं आप लोगों को फिलहाल नाम नहीं बताऊँगा बट हाँ शोरूम दिखाऊँगा तो आप लोग समझ जाओगे कौन सी बाइक पर मैं स्विच कर रहा हूँ। हालाँकि मैं अभी यामाहा पर हूँ बट मैं स्विच किसी और कंपनी पर कर रहा हूँ, मैं यामाहा की कोई अपग्रेड बाइक नहीं ले रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर ट्रैफिक इतना है तो बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्लो चलाना पड़ रहा है, बाइक को आप स्पीड अप नहीं कर सकते। फिलहाल गाइस मैं शोरूम में पहुंच चुका हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बाइक्स काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं और शोरूम आपके सामने आ चुका है। जी हां गाइस, KTM का शोरूम। तो गाइस हम KTM की बाइक पे स्विच कर रहे हैं। फिलहाल बाइक कौन सी है मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग व्लॉग पूरा देखो कौन सी बाइक है क्या चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रेडी टू रेस, मतलब KTM की बाइक है तो हो सकता है रेसिंग ही बाइक होगी। हालांकि गाइस यहाँ पर सामने आपको शोरूम में काफ़ी सारी बाइक दिख चुकी हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम में। हम लोग उस पेपर वर्क करना है, हमारा सारा पेमेंट वगैरह तो हो चुका है पहले ही, हमें खाली डिलीवरी लेनी थी। तो यहाँ पर हम शोरूम के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ के जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे नेचर के, तो गाइस यहाँ पर उन्होंने समझाया कि क्या क्या चीज़ें, एग्रीमेंट कुछ साइन करवाया और यहाँ पर गाइस समझाने के बाद मुझे उन्होंने मेरी बाइक डिलीवर कर दी। तो गाइस बाइक की पहली झलक आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, Duke 390। यहाँ गाइस Duke 390 तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग बाइक है, मतलब अगर आप ट्रेंडिंग में चेक करें तो यामाहा की MT-15 है और KTM में Duke 390 है। तो गाइस इसकी टॉप एंड वगैरह सब कुछ आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में। तो और जब तक आप लोग इसमें का फोटो नहीं खिंचवा तब तक आपको लगता नहीं कि आपकी बाइक की डिलीवरी हो चुकी है, की होगी और आपकी बाइक बुकलेट होगी। फिलहाल गाइस यहाँ पे भैया जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे नेचर के थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हम लोग हैंडल करा। फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं दोनों बाइक के हाईवे हम ले आए, यामाहा MT-15 और Duke 390। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों की फेवरेट बाइक कौन सी है, तो मतलब मैं स्विच जो कर रहा है मैं सही कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ आप लोग बताना है। और यहाँ पर गाइस अगर राइड की बात करें तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बाइक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ चलती है। तो गाइस चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और अब हम Duke 390 और MT-15 की कंपेरिजन करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में डिटेल्स में। थैंक यू सो मच गाइस।